डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब तीन दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। वहीं आईएमए ने 15 तारीख को पूरे देश में सुबह हड़ताल का आह्वान किया है। ये भूख हड़ताल जूनियर डॉक्टरों के सपोर्ट में बुलाई गई है। यह हड़ताल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में की जाएगी। इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। इधर पूरे मामले पर फेमा ने 14 अक्टूबर के अपने प्रदर्शन में मुख्य रूप से दो मांग रखी है, जिसमें आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता को न्याय और पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। हमारे दो ही मांगे हैं, एक अभया के लिए न्याय और उनके साथ घटी हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी को कड़ी से कड़ी सजा। दूसरा, पश्चिम बंगाल और देश के सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल का तत्काल व्यवस्था। सरकार के नज़रअंदाजगी के कारण हमारे लिए देश में चुप बैठना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि कल से पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे एसोसिएटेड आईडीएस हैं और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग इलेक्टिव सर्विसेज को बंद करेंगे और ये जो ममता बनर्जी सरकार ने हमारे डॉक्टरों के साथ गलत किया है उसके साथ सभी लोग खड़े हों, हम सब एकजुट होकर के इस बदलाव को लाएंगे। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।